नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट गुरु सपोर्ट चैनल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त नरेंद्र गुरु एस। आज हमारे पास आया है एसर का एक लैपटॉप जिसमें बीप की आवाज आ रही है विंडो लोड होने समय, बायोस में नहीं आती है, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। और भी इस टाइप के कंप्यूटर और लैपटॉप के रिपेयरिंग वीडियो सीखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास है आज एसर का एक लैपटॉप, इसमें आ रही है स्टार्ट में बीप की आवाज़। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पहले एनालाइज करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम एसर का लोगो और विंडो लोड होते ही ये बीप की आवाज़ स्टार्ट हो गई है। इस बीप को हम आज फिक्स करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, करते हैं सबसे पहले ऑफ लैपटॉप को। सबसे पहले हमें कोई भी लैपटॉप आए खोलना बैक पैनल, मैंने ऑलरेडी इसका खोल रखा है, मैं इस पर वर्क कर रहा था। सबसे पहले हमें लैपटॉप को ऑफ करके बैटरी निकाल देनी है बाहर। बैटरी निकालने के बाद में प्लग इन करके चला के देखेंगे तो लैपटॉप में बीप की आवाज़ बंद होती है या नहीं, फर्स्ट वो चेक करना है। सेकंड हमें हार्ड डिस्क चेक करनी है, हार्ड डिस्क की वजह से भी एरर आ सकता है अगर शॉर्टिंग का, तो हम हार्ड डिस्क निकाल के स्टार्ट करना है प्लग लगा के। रैम का, रैम में अगर डस्ट आ जाती है या अनप्लग हो जाती है या रैम शॉर्टिंग हो जाती है तब भी यही बीप का एरर आएगा। कैमरा में थोड़ा सेट कर ले दो, ये नीचे यहाँ पे 2 RAM भी लगी होती है, फिलहाल इस लैपटॉप में 1 लगी हुई है। ये सब चेक कर लिए, मैंने ऑलरेडी ये पहले चेक कर चुका हूँ। प्लग इन करेंगे लैपटॉप को और ऑन करेंगे और F2 प्रेस करेंगे 4th step में। BIOS फंक्शन खोल के देंगे तो अभी किसी तरह की कोई भी बीपिंग नहीं आ रही है। इसमें दिक्कत कुछ और है, पर इसको ऑफ करके ऑन करा रहे हैं तो देखें विंडो लोड हो रहा है तभी बीपिंग की आवाज़ आ रही है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले कीबोर्ड निकालना पड़ेगा। कीबोर्ड में वाटर डैमेज होने की वजह से भी शॉर्टिंग हो सकती है या अंदर कोई की आपस में होने से शॉर्ट हो सकती है। यहाँ पे इसके लॉक लगे होते हैं 1, बड़े ही आराम से इसको पुश करना है लॉकिंग को, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये सेकंड लॉक इसका, 3rd, ये 4th, 5। तो यहाँ पे छोटे छोटे लॉक लगे होते हैं, बड़े आराम से देखना है उसे, खोलना है आराम से, खोलना है। इसका कनेक्टर है, इसको अनप्लग कर देंगे यहाँ से। अभी हम चेक करते हैं क्या हमारी बीपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई है। तो मैं वापस इसको प्लग कर ले, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अभी वापस पावर की केबल लगा देंगे अडैप्टर की और ऑन करेंगे। हमारा विंडो लोड होने भी लग गया है लेकिन अभी कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये श्योर हो गया है इसमें कीबोर्ड सेक्शन में ही फॉल्ट था। या उसको प्रॉपर क्लीन करते रहें तो अभी इसमें कीबोर्ड रिप्लेसमेंट भी हो सकता है और ये कीबोर्ड रिपेयर भी होगा। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी करेंगे इसी कीबोर्ड को रिपेयर कर सके और वापस यूज़ में ला सके। अगर उससे नहीं होता है तो हमें कीबोर्ड चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए वाटर का निशान डैमेज का लग रहा है मुझे, तो ये वाटर डैमेज भी है और डस्ट से भी प्रॉब्लम लग रही है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। और काफ़ी लोग, और मैं देख रहा हूँ हमारे भाई लोग वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे टाइप के वीडियो ला सकूँ और आपको दिखा सकूँ। करते हैं लैपटॉप को शट डाउन और कीबोर्ड के ऊपर काम। सबसे पहले हमें पेट्रोल से या थिनर से, क्लीनर से कीबोर्ड के कनेक्टर को अच्छे से साफ करना है। आपके पास जो भी है पेट्रोल है या इसका क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है आपको कंप्यूटर लैपटॉप की दुकान में मिल जाएगा। उसके बाद हमें कीबोर्ड के कनेक्टर को अच्छे से साफ़ करना है आगे और पीछे से बड़े आराम से। तो हम अच्छे से इस बटन को साफ कर लेंगे, जो भी बटन्स के अंदर डस्टिंग आ रही है या वाटर डैमेज की वजह से हो रखा है तो इसको बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है नहीं तो अपने बटन निकल सकते हैं। इसको अच्छे से बढ़िया क्लीन करना है। देखिए आप, मैं थोड़ा जूम करके दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको मिट्टी और दिख रही है, ये पानी के साथ जम जाती है। गीले हाथों से हम चलाते हैं लैपटॉप। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले इसी टाइप की और भी कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग के वीडियो आपको मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हमने क्लीन कर दिया है, अभी हम इसके वापस कनेक्टर को लगा के प्लग इन करके देखते हैं। वापस हम इसके कनेक्टर लगा देते हैं। कनेक्टर हमने अच्छे से साफ़ कर दिया था, लगाते समय ध्यान रहे जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसको आराम से वापस लॉक कर देंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो। करते हैं लैपटॉप को वापस स्टार्ट, प्लग इन करके चेक करते हैं क्या ये प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं। तो अभी हमारा विंडो लोड हो रहा है बट बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, तो अभी हमारा यही कीबोर्ड काम आ जाएगा। कर देते हैं इसको वापस लॉक। तो अब फाइनल टेस्ट, एक बार कीबोर्ड को भी हम चला के टेस्ट कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। की चलिए हम चेक कर लेते हैं कीबोर्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है तो अभी हमारा कीबोर्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो। करते हैं वीडियो में खत्म। जय हिंद।